गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट 12th का फोर्थ लेसन चल रहा है हमारा विज्ञान भाग का। डायरी के पन्ने जिनकी लेखिका है एनी फ्रैंक, इसका करते हैं कि मंगलवार 11 अप्रैल सन 1944 ईस्वी के दिन लिखी डायरी में एन लिखती है कि शनिवार के कोई 2 बजे तेज गोला बारी शुरू हो गई थी, मशीन गनी आगा बरसा रही थी। रविवार के दिन पीटर और मैं दूसरी मंजिल पर सटे बैठी थी, इस 6 बजे ऊपर हो गई थी और 7:15 बजे तक हम एक दूसरे से सटकर बैठे रहे क्योंकि कौशल बहुत छोटा था। रेडियो पर बहुत सारी खूबसूरत भोजाई संगीतें बजा रहा था। मुझे रात को बजने वाला राग बहुत अच्छा लगता है। यह संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जा रहा था। क्योंकि हम मिस्टर डसेल को कुशल ऊपर ले गए थे और इसी बात को लेकर के मिस्टर डसेल नाराज भी हो रहे थे, इसलिए हम जल्दी से भागकर नीचे उतर आए और मिस्टर डसेल के कुशल में कुछ ब्रश डसेल डाल दिए। यह अंदाजा लगा रहे थे कि मिस्टर डसेल इस पर बैठेंगे तो खूब हंसेंगे, परंतु मिस्टर डसेल अपने कमरे में जाकर बैठ गए और फिर अपने कुशल में डाले ब्रशों को बाहर निकाला। इस छोटे से प्रहसन पर हंसते हंसते हमारा बुरा हाल हो गया, लेकिन जल्द ही हंसी मजाक डर से तबलीग हो गई। पुलिस इस तब्दील होगी जब अंदाजा लगाया कि पुलिस के आने की आशंका है। सभी मर्द लोग इस बात को लेकर नीचे चले गई और औरतें डर तथा सहमी हुई थीं, अपनी बातियां बुझा दी गई। देर रात जब मर्द एक बार फिर नीचे गोदाम में गई तो सेंधमार और अपने काम में लगी हुई थी। सेंधमार क्या था? चोरी करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने काम में लगी हुई थी। मर्दों को देखकर वे भाग गई, उनका यह प्रयास से निष्फल कर दिया गया। यह घटना अपने आप में एक बड़ी घटना है। वह कहते हैं एक बार जब हम अज्ञातवास के समय में मैं और पीटर काफ़ी देर तक छत के ऊपर बैठे हुए थे, वहीं पर मिस्टर डसेल आ जाता है और वह जब बहुत नाराज हो जाता है तो हम बार बार उसे समझा रहे होते हैं, उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। वहां पर पुलिस के आने की जब आशंका, हमारे पास में एक गोदाम बहुत बड़ा गोदाम था, उस गोदाम में से लोग चोरी कर रहे थे, तो जब भी पुलिस के आने की आशंका हुई तो फिर लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, और औरतें भी डरी हुई सहमी हुई लगती हैं। और सेंधमार चोरी करने वाले जो लोग होते हैं वे सभी उन मर्दों को देख करके वहाँ से भाग निकलते हैं। वे जो किस कार्य को करने के लिए वहाँ पर आए थे कि वो सब कार्य उनका निष्फल हो जाता है। 13 जून सन के दिन मंगलवार सन 1944 की चिट्ठी में एन किट्टी को बताती है कि मैं 15 वर्ष की जब हो गई थी, यानी कि किट्टी कौन है, इनकी गुड़िया थी, एक निर्जीव गुड़िया जिसको संबोधित करते हुए उसने अपनी वह डायरी लिखी थी। उसमें वह बताती है कि आज मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। इस दिन पर सभी ने मुझे उपहार दिए थे। अब दुश्मन देशों के एक दूसरे पर हमले तेज हो गई हैं। बेहद ख़राब मौसम, लगातार वर्षा, तेज हवाएं और समुद्र अपने पूरे उफान पर था। चर्चिल तथा अन्य अधिकारी उन गांव का दौरा कर रहे थे जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, बाद में मुक्त कर दिया था, और चर्चिल एक जन्मजात थी। वे टॉरपिट नाव में थी। इन्हीं टॉरपिट नाव के माध्यम से तटों पर गोलाबारी भी की जा रही थी। अगर ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि कर ली होती तो हॉलैंड और पड़ोसी देशों की हालात खराब हो जाती। हॉलैंड जर्मनी बन चुका था और इस प्रकार उसका भी अंत हो गया था। एन अपनी निजी बात को सार्वजनिक करते हुए किट्टी से कहती है कि यह सच है, पीटर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार वैसे नहीं करता है, बल्कि एक दोस्त की तरह उसका स्नेह दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कोई रहस्यमय ताकत हम दोनों को पीछे तक की तरफ खींचती तो मैं जानती कि वह कौन सी शक्ति है। एन पीटर के प्रेम की दीवानी, वह स्वयं कहती है, अगर मैं उसके कमरे में एक दो दिन के लिए ना जाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है, मैं उसके लिए तड़पने लगती हूं। पीटर एक सच्चा और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसने मुझे कभी किसी तरह से निराश नहीं करता था। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद नहीं थी। वह शांति प्रिय, सहज एवं सहनशील तथा आत्मीयता व्यक्ति था।
इसमें यहाँ पर यानी कि एनी जो फ्रैंक होती है वह अपनी किट्टी को संबोधित सार्वजनिक यानी कि जो निर्जीव गुड़िया उसको संबोधित करते हुए देखती हैं कि किस प्रकार से जो पीटर उसे प्रेम करता है, वह उसकी गर्लफ्रेंड की हर प्रकार के उसे स्नेह करता था, लेकिन वह कभी भी किसी बात के लिए उसे निराश नहीं करता था उसकी बात में, लेकिन वह अपने मुख से कभी भी यह बात उसे अभिव्यक्त नहीं करना चाहता था कि वह उसके लिए कितना प्रेम व इज्जत करता है। हम दोनों अपने अतीत और वर्तमान भविष्य की जो बातें थी दोनों आपस में बैठ कर वह किया करती थी। अपने प्रकृति प्रेम के बारे में कहती है कि वह प्रकृति को निहारना चाहती थी। यही सोचकर उनकी सामर्थ्यों में वह अपनी यादों में खो जाती है। जब नीला आकाश, पक्षियों की चहचाने की आवाज़, चांदनी रात और खुली जादू साकर देती है। अब सभी चीज़ें बीते जमाने की हो गई हैं और आगे कहते हैं जिस शांति और आशा की भावना से सारोबार कर देता है। वह लगातार परेशान करते जैसे पुरुषों का औरतों पर शुरू से शासन करता, सौभाग्य में शिक्षा का काम और प्रगति में औरतों की आंखें खोल दी। अब कई देशों में उन्हें बराबरी का दर्जा भी दिया जाता है। आधुनिक महिलाएं अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। वह चाहती है कि महिलाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। मानसिकता की एक कहते हैं सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान दिया जाना चाहिए। शहीदों को पूजा भी जाता है और लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों तथा सैनिकों को दर्जा दिया जाता है। लेखक श्री पोलदेव गुरु की मौत के खिलाफ मनुष्य एक पुस्तक के जिक्र करते हुए कहते हैं कि आमतौर पर युद्ध लड़ने वाले सैनिक कितनी तकलीफ, पीड़ा, दर्द, बीमारी, यंत्रणा उठाते हैं। उससे कहीं दर्द वे औरत उठाते हैं जो बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चा जन्मने के बाद औरत के शरीर का आकर्षण कम हो जाता है तो उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। लोग शायद भूल जाते हैं कि औरतें ही मानव जीवन की निरंतरता को बनाए हुए हैं। वो लगातार संघर्ष करती रहती हैं और इतना संघर्ष सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। वेंट में कहते हैं कि मैं कदापि यह नहीं चाहती कि औरतें जन्मना बंद कर दें, परंतु मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो समाज में औरतों को के सुंदरमी योगदान के महान नहीं मानते। वे इस आशा के साथ इस कथन को समाप्त करती हैं और अगली सर्दी में औरतें ज़्यादा सम्मान और सिखाने हकदार बनेंगी। वे सब औरतें एक उठ के देवी बिना एक लंबे ख्यानों के बिना तकलीफ के समझते कि एन के अज्ञातवास के समय क्या रुचियाँ थी। बहुत बारा तो ये भी कि एन को पत्रिकाओं में फिल्मों, कलाकारों, चित्र को इकट्ठे करने के यानी कि बहुत ज़्यादा रुचि थी। फिल्मों में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। वह फिल्मों की तरह अपने साप्ताहिक होने की सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका में ध्यान से पढ़ती थी। अभिनेताओं की सराहनीय संक्रांत करती थी और उन्हें स्टाइल बनाना करती थी और कुछ ही दिनों के बाद वे अपने घुंघराले बाल स्टाइल में भी जाया करती थी। अज्ञातवास के समय उनकी बहुत रुचियाँ थी। वे पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना चाहती थी और उन्हें देख करके फिल्मों के बारे में अपना ज्ञान प्राप्त करनी चाहती थी और उसे अपने हेयर स्टाइल वगैरह आदि भी बनाना चाहती थी। अज्ञातवास करते समय कैसी बातें हुआ करती थी, उनको कैसे लगा करती थी। इनको अज्ञातवास करते समय रोज एक जैसी बातें नाले के सड़े पानी की तरह लगती थी। खाने के वक्त मम्मी मिसेज वानदान हजारों बार पहले सुन चुके हैं और वक्त बचपन की वही कहानियाँ सुनाया करते थे। डसेल खूबसूरत रेस से और घोड़ों चालो लौटें आदि की बातें चरम 4 वर्ष की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे ड्रेवी मरीजों की बातें हुआ करती थी जो ये एनी को अच्छी नहीं लगती थी। हॉलैंड के प्रतिरोधी दल लोगों को किस प्रकार से सहायता करती थी। फ्री नीदरलैंड दल के लोग जर्मन के अत्याचारों से राहत पाने के लिए पीड़ितों के लिए नकली पहचान पत्र बनाते थे, आर्थिक सहायता दिया करते थे और कार्यकार कुशल वाले युवा ईसाइयों के लिए भी वे काम ढूंढते रहते थे। राजनीतिक काम धंधे की बातें करती थी, औरतों के साथ थी भोजन और कष्ट के समय की बातें करती थी। लोगों अखबारों में आदि की बातें करते थे, फूल उपहार भी दिया जाता था। वह कहते कि पहले यानी कि जुड़ को ही आदि बच्चों के अखबार तथा किताबों की बातें करती थी, हर अवसर पर फूल उपहार दिया करती थी।
कष्ट में पड़े हुए ज्ञातवाद वाले लोग यानी कि पहले समय में लोग हर प्रकार से सहायता करते थे। कैबिनेट मंत्री मिस्टर वॉकेंस्टीन के घोषित किया गया ऐन को किस प्रकार से खुशी मिली थी। कैबिनेट मंत्री मिस्टर वॉकेंस्टीन ने लंदन में एक उच्च प्रसारण में कहा था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात डायरी और पत्रों का संचय किया जाएगा। ऐसे सुनकर के एन बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसने भी अपनी निर्जीव गुड़िया को संबोधित करते हुए अपनी एक डायरी लिखी थी और जब ये बात वह सुनती हैं तो उसे ये होता है कि मेरी भी डायरी एक नए दिन प्रकाशित होने वाली है। एन ने एक दिन में हुए हवाई हमलों के विषय में क्या बताया था। एन ने बताया था कि पिछले ही रविवार 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इजुमुडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाकर तबाही मचा दी थी। सभी घर हवा में घास की पत्तियों की तरह कांप रही थी। युद्ध काल में लोगों को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा था कि खाद्य पदार्थों तथा अन्य सामग्रियों के लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। चोरियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी। मोटरसाइकिलें पीट मोड़ते कारें मोटरसाइकिल आदि चुरा ली जाती थी। 8-10 वर्ष के छोटे बच्चों को चोरी करने में निपुण हो जाते थे। गली नुक्कड़ पर बिजली चलने वाली घोड़ियों सार्वजनिक टेलीफोनों आदि का पुर्जा पुर्जा चुरा लिया जाता था। लोगों का बुरा हाल हो गया था। पुलिस अधिकारी किसी पर भी आरोप लगाकर उसे जेल भेज देते। आदि खाद्य सामग्रियां बहुत महंगी हो गई थी। चर्चिल को जन्मजात बहादुर क्यों किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चर्चिल अपने साथियों टम्स आइजनवर्न और ऑनलाइन तथा फ्रांसीसी गाँव में गए थे जिन पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और मुक्त कर दिया गया था। चर्चिल एक टॉर्पेडो नाव पर थी जिसे तट गोलों की बारी की जाती थी। उसे डर नाम की चिड़िया का पता तक नहीं था इसलिए उसकी जन्मजात बहादुर भी कहा जाता है। एन के कितने समय बाद अपने आमने सामने साक्षात्कार किया गया था। एन को 1.5 वर्ष के बाद खुली खिड़की के माध्यम से रात की अपने प्राकृतिक दृश्य को आमने सामने का सगात किया था। उस समय गहरी श्यामली बरसात हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल अपनी लुका छुपी कर रही थी। एन मंत्र मुग्ध हो गई थी क्योंकि उन्हें कहा छोटे छोटे चूहों से डरे बिना ही चली गई थी। और जब इस प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए एन क्या करती है, अपने ऊपर वाले कमरे में से जब नीचे गोदाम में जाते वहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं लेकिन वे डरे बिना डरे ही फिर भी चली जाती है क्योंकि उसको प्राकृतिक दृश्य देखने की बहुत इच्छा रहती थी। पुरुष त्रिधिकारों के विषय में के क्या विचार से संपत्ति शारीरिक बल धन कमाने परिवार चलाने के कारण पुरुष ही और से ही औरतों का शासन करने लगे थे जो ठीक नहीं था। आधुनिक महिला पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक पाना चाहती थी क्योंकि महिला को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार के संघर्षों का सामना करती है। मेहनत करके खाती हैं सम्मान के अधिकार लेकिन फिर भी उन लोगों को सम्मान में अधिकार नहीं दिया जाता क्योंकि वे सबसे ज़्यादा सम्मान के अधिकारी औरतें होती हैं। एन किस कारण से महिलाओं को सम्मानीय मानती थी। एन का मत है कि वह संतान को जन्म देते उस समय दुख प्रसूर पीड़ा अधिक सहन करनी पड़ती है। ऐसे सैनिक युद्ध में इतनी पीड़ा नहीं झेलता होगा जितने उस समय में औरत को सहनी पड़ रही होती है। पाठ के आधार पर सेंध मारो वाली घटना का वर्णन कीजिए। दूसरे महायुद्ध के समय सेंध वारे कारनामे बहुत आम हो गई थी। रात के समय में 10 बजे से लेकर जब पीटर सीढ़ियों पर था तब जोरदार दो धमाकों की आवाज उसे सुनाई दी। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि गोदाम में बहुत सारे लोग आधा फट्टा गायब है तो गोदाम में यानी कि चोर चोरी करने के लिए काम पर लगे हुए। उसी समय पुलिस पुलिस करके जब वह पुकारने लगते हैं तो वह फटे को दोबारा से उसी जगह पर लगाया गया और लेकिन कुछ समय के पश्चात वे नौकर वहां से भाग जाते हैं। मैं पैन फ्रैंक के पापा को 1933 ईस्वी की कंपनी में काम कर रहे थे और उसके पति जॉन भी उसके पापा के साथ उसमें काम कर रहे थे। एक बड़ा प्रश्न हमारा ये भी आता है कि एन की डायरी में लिखी द्वितीय विश्व युद्ध के समय चोरी की घटनाओं का वर्णन कीजिए। केन ने अपनी किट्टी को संबोधित करते हुए कहते कि लोगों को सब्जी वगैरह आदि खरीदने के लिए काफ़ी लंबे समय तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। डॉक्टर अपने मरीजों को ठीक से नहीं देख पाते थे क्योंकि गर्दन घुमाते उनकी कारें मोटरसाइकिल आदि वगैरह चोट ली जाती थी। औरतें बाजार में कोई भी गहने आभूषण पहन कर नहीं जा सकती थी, उनको भी ले चोर लिया। लोगों ने अंगुलियों में अंगूठी वगैरह आदि पहनना भी बंद कर दिया था यानी कि चोरी की जो घटनाएं होती हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। छोटे छोटे 8-10 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी
उठा लिया जाता था तब वे घरों दुकानों खिड़कियों को तोड़कर भी घुस जाते थे। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वहाँ पर जो भी सार्वजनिक टेलीफोन, गली नुकड़े आदि जो चीज़ें होती थी सभी चुरा ली जाती थी। बिजली से चलने वाली घड़ियाँ चोर भी उतार ली जाती थी। टाइपर, पेट्रोल, दाने, कालकिन, बिजली, कपड़ा आदि सब कुछ गायब हो जाता था। इनाम के विज्ञापन अखबारों में आ गए थे कि जो भी यानी कि चोर करने वाले को पकड़ लेगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा, ये भी अखबारों में। लेकिन फिर भी हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में लोग आम से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। ये हमने एन की डायरी के आधार पर किया था। क्वेश्चन आंसर हमारे ये सभी क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न यानी कि वितान भाग के हमारे 4th लेसन आज कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी राइट प्लस लर्न।